नहीं ऐसा नहीं है, वो तो स्पष्ट है, आप वीडियो देख सकते हैं, स्पष्ट है। उनके द्वारा पुलिस ने 3 बार नोटिस दिए हैं, उनके द्वारा वहाँ से जो असामाजिक तत्व लाए थे वो लोग भी उनके साथ में हैं। पुलिस 4 बार उनको नोटिस दिया है, नोटिस को भी स्वीकार नहीं किया और हाईकोर्ट भी गए, वहाँ भी इनको राहत नहीं मिला। तो इस तरह से ये जो कांग्रेस पार्टी है जो कर रहा है, इनका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा विधानसभा जो चुनाव हारे हैं उसका बौखलाहट है। इतना बड़े सतनामी समाज के जो हम लोग जैत खाम सत्य के प्रतीक ध्वज मानते हैं, उसको इस तरह से अपमानित किया गया जिसको सतनामी समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने बड़े हमारे समाज को अपमानित किया गया। बात है सतनामी समाज के, सतनामी समाज आ करके बार बार मिल रहे हैं हमारे पास और मांग कर रहे हैं कि जो बेगुनाह लोग निर्दोष लोग जो फंसे उनको उनका जमानत होना चाहिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है कि जो निर्दोष है उनको निश्चित रूप से छोड़ा जाना चाहिए। आप सभी को नमस्कार। आज बलौदा के संबंध में जो घटना घटा है ये हम सबके लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। अमर गुफा में जैत खाम क्षतिग्रस्त हुआ, उसके विरुद्ध सतनामी समाज लोग न्यायिक जांच की मांग की है और न्यायिक जांच माननीय हमारे गृहमंत्री के द्वारा न्यायिक जांच का घोषणा किया गया और घोषणा के बाद सतनामी समाज एक शांति ढंग से अपना ज्ञापन कलेक्टर जी को सौंपना चाह रहे थे। लेकिन वहां पे भिलाई के विधायक श्री देवेंद्र यादव जी वहां बहुत भिलाई से कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर के वहां पे पहुंच गए और मंच में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सतनामी समाज के द्वारा उनको रोक दिया गया कि मंच में नहीं आ सकते। तो उन्होंने अपने जो असामाजिक तत्वों जो उनके साथ में थे उनके साथ वहीं पे मंच के पास बैठ करके लोगों को उकसाने का काम किया, भड़काऊ चीज़ें उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उत्तेजित करने का काम किया और जिससे सतनामी समाज शांतिप्रिय ढंग से ज्ञापन देने के लिए जा ही रहे थे और ठीक इनके साथ जितने उपद्रवित गए थे वहाँ जा कर के बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट में तोड़ फोड़ आगजनी और जितनी गाड़ियाँ उनको जला दिए। इस तरह बलौदा में एक बहुत बड़े दुखद घटना हुआ, घटना का अंजाम दिया गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा एक सतनामी समाज एक शांतिप्रिय समाज है और वो कभी इस तरह से दंगा फसाद इसको पसंद नहीं करते हैं सतनामी समाज के लोग। उस दिन भी सतनामी समाज को बहुत बड़े सतनामी समाज को बहुत बड़े अपमान किया गया। जिस दिन पुलिस वाले लोग उनको 2-4 बार नोटिस दिए, गिरफ्तार नहीं हुए, जब गिरफ्तार करने उसके घर गए तो श्री देवेंद्र यादव जी ने एक सफेद झंडा लेकर के निकला और एक हाथ में और कुछ रखा था, संविधान का एक बुक रखा था। लेकिन एक गाड़ी में जब चढ़ करके ऊपर में हाथ हिलाने की कोशिश किया तो सतनामी समाज के जो ध्वज है उसको गाड़ी में रख दिया और गाड़ी के ऊपर उस झंडा के ऊपर पैर रख करके खड़ा हुआ। इतना बड़े सतनामी समाज के जो हम लोग जैत खाम सत्य के प्रतीक ध्वज मानते हैं उसको इस तरह से अपमानित किया गया जिसको सतनामी समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने बड़े हमारे समाज को अपमानित किया गया। और साथ ही साथ मैं तो यह भी कहना चाहूँगा आज इसके सब करतूत के वजह से
काफी सतनामी समाज के लोग जेल में हैं, उसमें कुछ निर्दोष भी हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस तरह से कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव हारती है उनका बौखलाहट बढ़ जाता है, और इसी तरह के कृत ये देवेंद्र यादव सरी के जो विधायक है, जिसके ऊपर कई प्रकरण लंबित है, कई प्रकरण दर्ज है, ऐसे आदमी को कांग्रेस पार्टी एक टूल किट के रूप में उपयोग करके दंगा प्रसाद जो करा रहे हैं, ये आप लोगों के समक्ष है। उसका जीता जाता उदाहरण ये बड़ौदा का घटना है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कई प्रकरण इनके ऊपर है, एक तो कोल वाला भी है इनके ऊपर, शराब वाले भी इनके ऊपर प्रकरण है। इस तरह से प्रदेश में अस्थिर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, मैं तो कह सकता हूं कि भूपेश बघेल की जब सरकार था तब इसके ऊपर ऐसे ऐसे संगीन प्रकरण हैं, तो भूपेश बघेल चाहकर भी उस उन प्रकरणों को वापस नहीं कर पाया। और आज जहां जहां भी इस तरह के दंगे हो रहे हैं, तो मैं तो कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी इसको टूल किट के रूप में उपयोग कर रहा है। आज सतनामी समाज का ही तैसी बताता है, सफेद झंडा लेकर के क्या संदेश देना चाह रहा है। आज उस समय कभी याद आप लोग कर सकते हैं जिस समय सतनामी समाज के लोग नग्न प्रदर्शन किए, उस समय भूपेश बघेल की सरकार था, क्या किया। दूसरे तरफ लालपुर में बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती हुआ, वहाँ भी सतनामी समाज को एक भौंकने वाला समाज बोला। और इस तरह अभी ये देवेंद्र यादव के द्वारा झंडा को पैर में रौंद रहा है, पैर झंडे के ऊपर खड़ा हो रहा है। इस तरह सतनामी समाज कितना हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, वही मैं कहना चाहता हूँ। दूसरे तरफ सनम जांगड़े के अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है, उन्होंने मांग किया है कि निर्देशों को छोड़ा जाए, उस पर विचार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कोर्ट भी तो इसको जमानत नहीं दे रहा है, कोर्ट भी में तो सिद्ध हो रहा है जो भी घटना, आज भी कई घटना का आज निर्णय हुआ है, इनका भी जमानत आज खारिज हुआ है, 7 दिन तक के न्यायिक जांच में इनको भेजा गया है। इस तरह ये जो सतनामी समाज को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा या देवेंद्र यादव के द्वारा जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से सतनामी समाज ऐसे ऐसे घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये बात मैं कह सकता हूँ। CIB के साथ क्या हुआ है कौन नहीं जानता है, 5 साल तक के उनके कार्यकाल में तो CBI को घुसने नहीं दिया, बैन था, और उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, ये बात भी तो स्पष्ट है। तो जांगड़े जी की टीम में भी मिलने गए थे, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो स्पष्ट है, आप वीडियो देख सकते हैं, स्पष्ट है। उनके द्वारा पुलिस ने 3 बार नोटिस दिया है, उनके द्वारा वहां से जो असामाजिक तत्व लाए थे वो लोग भी उनके साथ में है, पुलिस 4 बार उनको नोटिस दिया है, नोटिस को भी स्वीकार नहीं किया, और हाई कोर्ट भी गए, वहाँ भी इनको राहत नहीं मिला। तो इस तरह से ये जो कांग्रेस पार्टी है जो कर रहा है, इनका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा विधानसभा जो चुनाव हारे हैं उसका बौखलाहट है, वो तो सबके सामने दिख रहा है, उनके जो ग्रुप है सबके सामने, आप मोबाइल में चल रहा है, आप देख सकते हैं, लोगों को बलगला रहा है वहीं पे, वो तो स्पष्ट दिख रहा है। मंत्री जी, देवेंद्र यादव और नेता मंच पर थे तो क्या उनकी भी गिरफ्तारी आगे हुई, और आपने शब्द कहा कि कुछ निर्दोष भी जेल में बंद है, तो निर्दोष कौन है जो जेल में, जो उसी समय जो धरपकड़ हुआ शुरू में, उस दिन कुछ निर्दोष फंसे, बाकी का तो जिसका उन लोगों पुलिस के पास प्रूफ है उनको अरेस्ट किए, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ उसी समय धरपकड़ हुआ उसी समय की बात है। देवेंद्र यादव मंच से समाज है, समाज का विरोध अभी तक सामने नहीं आया,
नहीं, क्या है ये जो बात है सतनामी समाज के, सतनामी समाज आकर के बार बार मिल रहे हैं हमारे पास और मांग कर रहे हैं कि जो बेगुनाह लोग, निर्दोष लोग जो फंसे, उनको उनका जमानत होना चाहिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है कि जो निर्दोष है उनको निश्चित रूप से छोड़ा जाना चाहिए। देवेंद्र यादव को मंच से उतारा गया, मंच में जबरदस्ती चढ़ गया था, उसको समाज के लोग उतारे हैं। ठीक नहीं, वो तो स्पष्ट है, जो भी धारा लगाए वो सब स्पष्ट है। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। ठीक है।